तो जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो है पूरे मथुरा में वृंदावन में जो मीट है और शराब है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या उन्होंने ये जो निर्णय लिया है, क्या उन्होंने ये डिसीजन लिया है, क्या ये भारत में, खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सोशलिज्म जो है वो पूरी तरह से चल रहा है, बढ़ रहा है, और जहाँ पर ये कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट है, सोल है, तो क्या ऐसी कंट्री में ऐसे डिसीजन लेना क्या सही रहेगा? क्या ऐसे इस तरह के जो बैन लगाना, क्या ये एक डिक्टेटरशिप नहीं कहलाई जाएगी? क्या ये एक रूढ़िवादिता या फिर धार्मिक कट्टरपंथी कट्टरता तो नहीं कहलाई जाएगी? तो जरा हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी को भी आप अपने रिलीजियस व्यूज को थोप नहीं सकते हैं। लोग जब सहजता से अपने आप से, जब लोगों के अंदर एक मॉरल वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं, तब लोग अगर ऐसा करते हैं तो बदलाव सच में तभी आता है। लेकिन अगर आप ऐसे बैन कर या फिर सप्रेस कर अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर विद्रोह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सच में मैं अगर इस एक्ट को, जो योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे वो सीएम हैं यूपी के, लेकिन किसी पर जबरदस्ती रिलीजियस व्यूज थोपना बहुत गलत बात है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ही बताया हुआ है और चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया हुआ है कि जो लोग भक्त नहीं हैं, जो लोग भक्त नहीं हैं उनको भी भक्ति करवाना, जबरदस्ती उन पर रिलीजियस व्यूज जबरदस्ती थोपना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपराध। इसको एक अपराध भी कहा गया है, इसको एक बहुत बड़ी गलती भी कहा गया है। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं कि कई सारी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 2 सालों से जानता हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर भी लोगों को मना करा जाता है कि आप जो है वो मीट और शराब जो है उसका इस्तेमाल ना करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इस चीज़ को कम्प्लीटली बैन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपने एक भी बार ये चीज़ ली तो आप मंदिर में नहीं घुसेंगे, आप मंदिर में बिल्कुल नहीं घुसेंगे। वो कहते हैं कि आप जो है आप मेडिटेशन करते रहिए, वो एक पर्टिकुलरली मंत्रा देते हैं मेडिटेट करने के लिए, और उस मंत्र को से वो मेडिटेट करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा हृदय अपने आप प्योर होता चला जाएगा और तुम धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें बंद कर दोगे। तो यहाँ पर एक ये इफेक्ट जो है ये एक पॉजिटिव तरीका है, यहाँ पर सप्रेस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों की सहजता, लोगों की जो फ्री विल है उसको देखते हुए सारी चीज़ें करी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एकदम कम्प्लीटली बैन लगा देना, जहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, कई सारे लोगों का ये खाना ही होता है, मीट ईटिंग वगैरह है, कई सारे लोगों का ये खाना ही होता है, तो हम इस पर नहीं जाएंगे ये चीज़ गलत है या सही है मीट ईटिंग। बट हम बात करते हैं जब कलयुग की जब एंट्री हुई थी तो महाराजा परीक्षित ने कलयुग को भी एंट्री दे दी थी और कलयुग ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ जगह तो दीजिए रहने के लिए, तो कलयुग को पूरी तरह से नकारा नहीं था, क्योंकि कलयुग का ये विधि का विधान था कि कलयुग का आना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो महाराजा परीक्षित ने कुछ पर्टिकुलर जो चीजें हैं उनमें कलयुग को रहने के लिए दे दिया। अब ये चल कलयुग रहा है, चल कलयुग रहा है, अगर तुम दोबारा से द्वापर युग लाना चाहते हो तो द्वापर युग खत्म ही क्यों होता? जब द्वापर युग दोबारा से आना होता है, आना ही आप लाना चाहते हैं, तो द्वापर युग खत्म ही क्यों होता? क्यों प्रकृति ने धीरे धीरे करके फिर कलयुग की जो स्टार्टिंग की, कुछ तो नेचर सिखाना चाहता है, कुछ तो हमें परमात्मा, ये जो अस्तित्व है या फिर आप जो भी मानते हैं यूनिवर्स की एनर्जी, कुछ तो सिखाना चाहता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अगर आप रिलीजियस व्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो कलयुग का आना भी मानव प्रजाति को कुछ सिखाना चाहता है, उसमें ये दिखाना चाहता है कौन किसके अंदर कितना कंपैशन है, कौन लोगों को बहुत प्यार से समझा सकता है, उनको विदाउट सप्रेस किए, उनको उनकी फ्री विल जो है
उनको विदाउट हार्म किए, उनकी जो फ्री थिंकिंग है उसको विदाउट हार्म किए, उनको सप्रेस किए बिना हम जो हैं कुछ ऐसे तरीके अपना रहे हैं। तो यहाँ पर जो बैन है वो पूरी तरह से मैं गलत मानता हूँ, ये पूरी तरह से गलत है। आपका इसमें क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करना, और इस चीज़ को अदरवाइज मत ले जाना या इस चीज़ को बहुत पर्सनल लेवल पर मत ले जाना। यहाँ पर ये एक बेहतर समाज को बनाने का काम चल रहा है, तो यहाँ पर एक बेहतर समाज केवल मुख्यमंत्री से नहीं बनता, ये बेहतर समाज एक एक नागरिक से बनता है, और हर एक नागरिक का कुछ ना कुछ उसमें योगदान होता है। और ये तो लोकतंत्र है जहाँ पर लोग जो हैं, आम लोग, आम जनता चुनती है कि कौन क्या करेगा, कौन किसको क्या नियम बनाने हैं। और यहाँ पर आम जनता जो है उसमें काफ़ी सारी विविधता है, कई सारे धर्मों के लोग हैं, कई सारी आइडियोलॉजी के विचारों के लोग हैं, बिना डिस्कशन करे, बिना उसके करे चलो भाई बैन कर देते हैं। तो ठीक है, कुछ जगह पर ये चीज़ें जैसे मंदिर वगैरह में ये चीज़ें हो गई, या मंदिर के कुछ एरिए में, मंदिर के कुछ 100 मीटर के एरिए में, या मंदिर के आसपास के कुछ 200-500 मीटर के एरिए में ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए थी, नो डाउट, सही है, ठीक है। लेकिन पूरे कंट्री, पूरे शहर में ये चीज़ बैन कर देना, पूरे मथुरा में ये चीज़ बैन कर देना, वृंदावन में बैन कर देना, तो ये चीज़ कहाँ से सही है? वहाँ पर कई सारी मस्जिदें भी हैं, और वहाँ पर कई सारे मुस्लिम्स भी रहते हैं, वहाँ पर कई सारे जो हैं वो सिक्स भी रहते होंगे, और कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ पर नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, बट आपने बिना उन लोगों की सहमति से, तो ये चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा गलत समझता हूँ। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो सच में हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डाउनफॉल हो रही है, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, हमें ये भी देखना होगा, हम इस रियल वर्ल्ड में जो हमारे लिए अभी रियलिटी है हमें इसको भी देख कर चलना पड़ेगा। ये वर्ल्ड, ये जो हम देख रहे हैं आसपास जो रियलिटी है, प्रेजेंट जो है, इसको भी देखकर चलना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, और हमें सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन एक जगह है जहाँ पर मतलब लोगों को, मैं 2 सालों से जानता हूँ वहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को बिल्कुल ही कह दिया जाता है कि अगर आपने मीट खाया हुआ है या फिर आप, या आपने शराब पी है तो आप मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भंग हो चुके हैं। नहीं, उनको डिमोटिवेट नहीं किया जाता, उनको कहा जाता है कि आप मेडिटेट करिए पर्टिकुलर मंत्रा पे, और आपका धीरे धीरे हृदय परिवर्तित होगा, आपको धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, फिर एक चीज़ फिर सहजता से आती है, प्योरिटी तब आती है, सप्रेस करने से प्योरिटी नहीं आती, किसी को रोक लेने से, किसी को बिल्कुल कब्जा करने से, उसको कंट्रोल करने से कभी बदलाव नहीं आते, इससे विद्रोह स्टार्ट होते हैं। चाणक्य ने भी यही बात कही थी, अगर आप चाणक्य की जो टीचिंग्स हैं उनको अगर आपने ठीक से समझा हो तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सच में लोकतंत्र के लिए बहुत बेकार हैं, हार्म हैं ये सच में। इस तरह के जो लोग जो ऐसे नियम लगाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, बेरोज़गारी है, इतनी सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट को लेकर, लोगों की ज़िंदगी को सही करने के लिए, मेंटल हेल्थ को लेकर, फिज़िकल हेल्थ को लेकर, स्कूलिंग को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, लोगों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें जो साफ साफ ये दिखा रही है कि आप सिर्फ जो मेजॉरिटी है उसको खुश करना चाहते हैं, और आप अपने पर्सनल गेन के लिए, कि आप शायद आपके अंदर कुछ हो कि मुझे स्वर्ग मिल जाए या फिर मुझे भी कोई आध्यात्मिक लोक मिल जाए, बजाय इसके कि आपको प्रेम ज़्यादा पसंद है, तो आप अपने पर्सनल गेन के लिए भी हो सकता है ऐसा कर रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसका जनता को पूर्ण विरोध करना चाहिए, हमें समय की मांग को समझना चाहिए, हमें जो टाइम है उसके हिसाब से हमें बदलना है, और हमें सप्रेस करके नहीं, हमें लोगों को मॉरल वैल्यूज सिखानी है, हमें लोगों को धर्म सिखाना है। अब धर्म का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को बांट दें कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो बुद्धिस्ट है, नहीं, हमें लोगों को कुछ ऐसी फिलॉसफीज, कुछ ऐसी वैल्यूज़, हमें कुछ लोगों को ऐसे प्रिंसिपल सिखाने हैं जिससे लोग खुद समझें कि हाँ भाई उनके अंदर कंपैशन डेवलप हो, तब वो मीट छोड़ेंगे, तब वो छोड़ें, दैट इज़ द रियल चेंज। जब लोगों को लगेगा कि एक अमाउंट के बाद शराब पीना एक एडिक्शन का फॉर्म ले लेती है, तब लोग छोड़े, तब समझ में आ जाए, तब एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल एकदम कंट्रोल कर रहे हैं, एकदम दबा दे रहे हैं। आपको पता है दबाने से क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से निकलती है। अगर आप कोशिश करो अपने थॉट्स को रोकने की,
आपके अंदर कोई भी थॉट आ रहा है वो थॉट और भी तेज तेज बार बार आएगा, लेकिन आप उस थॉट से जब एग्री कर जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, तब परिवर्तन आता है। तो ये जो चीज़ है इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ खुलकर इस राय को जो है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है, और ये सभी जो पूरा का पूरा चैनल है वो आप सबके सहयोग से ही बना है। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।